दोस्तों हमारे वैज्ञानिक ही हैं जो अब तक अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स करके हम इंसानों के लिए दवाइयां खोजते रहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की भूख का इलाज हो या फिर किसी बीमारी का एंटीडोट बनाना हो, हमारे साइंटिस्ट हर पल एक नई खोज में लगे रहते हैं जो कि मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित हो। और इन्हीं खोजों के चलते साइंटिस्ट जानवरों पे भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अब जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते करते हमारे वैज्ञानिकों में कुछ नया और अलग बनाने की चाह इन्हें हाइब्रिड एनिमल बनाने तक ले जाती है। दोस्तों हाइब्रिड का मतलब ही होता है किसी चीज का मिश्रण। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 10 हाइब्रिड जानवर दिखाएंगे जो वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बनाए हैं, जिन्हें देखकर आप एक बार तो जरूर सोचेंगे कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पर ये साइंस है जनाब और यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लाइगर। दोस्तों लाइगर जानवर को आप सबसे पहले देख लीजिए, ये कितना बड़ा और कितना खतरनाक दिखता है। दोस्तों ये हाइब्रिड है मेल लायन और फीमेल टाइगर का, यानी कि लाइगर दुनिया के दो सबसे खतरनाक जानवरों के क्रॉस ब्रीड से बना है। दोस्तों ये कैट प्रजाति के सबसे बड़े जानवर होते हैं, क्योंकि लायन और टाइगर दोनों की ही हाइट इनमें होती है। साथ ही इनमें दोनों जानवरों का नेचर भी मिलता है, जैसे कि ये स्विमिंग करना बहुत पसंद करते हैं बाघ की तरह, तो वहीं इनका सोशल बिहेवियर बिल्कुल ही लायन की तरह होता है। आज भी आप इस जानवर को देख सकते हैं और ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। हालांकि एक समय था जब इनके बारे में कहा जाता था कि ये पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित किया गया 1993 में जब अमेरिका के घने जंगल में एक बार लाइगर देखा गया। दोस्तों आज भी अमेरिका के मायामी में हर्क्यूलस नामक इस लाइगर को देखा जा सकता है, जो कि 410 किलोग्राम का है और बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इसके नाम दुनिया की सबसे बड़ी कैट प्रजाति होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों कई लोगों का कहना था कि लाइगर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपको बता दूं कि ये लाइगर पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार भी है। पिग्स विद ह्यूमन ब्लड। दोस्तों अब ये देखिए, अमेरिका की ही एक लेबोरेटरी में सुअर के सेल्स में इंसानों के सेल्स को मिक्स करने का सफल प्रयास किया गया। जी हाँ दोस्तों, हुआ यूं कि कुछ सेल्स आपस में मिलकर बिल्कुल अलग अलग तरह के सेल्स बन गए और कुछ सेपरेट हो गए। जब सुअर का बच्चा पैदा हुआ तो ये बाहर से तो बिल्कुल एक सुअर की तरह दिख रहा था, लेकिन अंदर से इसकी आधी बॉडी इंसानों जैसे थे। दोस्तों कहा जाता है कि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या ह्यूमन सेल्स को किसी जानवर के साथ मिक्स किया जा सकता है या नहीं। ये सुअर जिसमें इंसानों के सेल्स हैं, ये दूसरे सुअरों के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव हैं। साथ ही इनमें ये भी नोट किया गया कि ये किसी भी बीमारी के खिलाफ अपनी बॉडी में काफी तेजी से स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनाते हैं। दोस्तों इनका ब्लड सैंपल दुनिया में सबसे अलग और अनूठा है। वॉल्फिन। दोस्तों ये बने हैं डॉल्फिन और वेल्स के कॉम्बिनेशन से। जी दोस्तों इनके बारे में दुनिया को तब पता चला जब एक बार इंग्लैंड की लिवरपूल सिटी में एक जू में इसे देखा गया। कहा जाता है कि ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, हालांकि ये इंसानों के लिए डॉल्फिन की तरह बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। इनसे बच के रहना पड़ता है, अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये कई बार इंसानों पे हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो इन्होंने अपने केयर टेकर के ऊपर ही हमला कर दिया था। वैसे तो टेक्निकली ये डॉल्फिन ही होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी आदतें वेल्स की भी आ जाती हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह के क्रॉस ब्रीड वॉल्फिन और भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन आज तक इनके अलावा वो कोई और प्रमाण नहीं जुटा पाए हैं। ये देखिए कैसे ये पानी में गोते लगा रहा है और कैसे फुल ऑन मस्ती कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो अभी ये अच्छे मूड में है। किलर बी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका नाम किलर बी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और उससे भी ज्यादा ये अग्रेसिव होते हैं। ये इंसानों पे हमला भी करते हैं और हर साल अमेरिका में 2 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार 1957 में साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले बी को यूरोपियन बी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, तब जाकर किलर बी आया। इनके पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ था और कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे भी हो एक ऐसी बी को दुनिया में लाने की जरूरत थी जिससे ज्यादा से ज्यादा शहद निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, यूरोप के साइंटिस्ट अपने मकसद में सफल हो गए और किलर बी को बनाने में सफलता पाई। ये वाकई में दूसरे बीज के मुकाबले ज्यादा शहद देते हैं और इंसानों के लिए काफी फायदेमंद भी हैं। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो फिर स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि ये बाकी बीज की तरह ही ग्रुप्स में वार करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4, सुपर काओ। ये सुपर काओ बेल्जियम की एक प्रजाति है। इस प्रजाति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी जब बेल्जियम के किसानों ने और वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक नेटिव गाय की प्रजाति बनाने की सोची जिसके सींग छोटे छोटे हों। समय के साथ उन्होंने हर वैरायटी की सबसे बड़ी कैटल ली और उन्हें ब्रीड कराया और ऐसा करके सुपर काओ बनी। नॉर्मल गायों के मुकाबले इसके शरीर में 20% ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं। द ह्यूमन चिंपैंजी हाइब्रिड। दोस्तों 1967 में चीन के 2 वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा क्रॉस ब्रीड बनाने की कोशिश की। आपको बता दूं कि ये दोनों चाइना के साइंटिस्ट चिंपैंजी और इंसान को मिलाकर ह्यूमैंजी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका दावा था कि ये काफी हद तक सफल भी हो गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना हुई जो उनके कंट्रोल से बाहर थे। इन्होंने मेल इंसान का स्पर्म फीमेल चिंपैंजी में डाल दिया था। चिंपैंजी भी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी,
इनका मानना था कि अगर ये सफल हुए तो जो बच्चा इंसान और चिंपैंजी के मिक्स से पैदा होगा उसका ब्रेन नॉर्मल चिंपैंजी से कहीं ज्यादा शार्प होगा, उसका मुंह भी बड़ा हो सकता था। चीन के वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। वो चाहते थे कि अगर सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हुआ तो ये इस मिक्स ब्रीड को नौकर बनाकर रखेंगे। वे चाहते थे कि ह्यूमैंजी को वो ड्राइवर की तरह भी इस्तेमाल करें। उन्हें ट्रेनिंग देकर घर का काम कराने का प्लान था और साथ ही जरूरत पड़ने पे इसे स्पेस रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन दोस्तों, चीन के एक समुदाय को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने पूरा का पूरा लैब ही जला दिया और उसी अगजनी में उस प्रेग्नेंट चिंपैंजी की मौत हो गई। दोस्तों, हालांकि एक बार फिर से कोशिश की गई थी 1970 में, लेकिन फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। कैम्स। दोस्तों, इनकी ब्रीडिंग का काम दुबई में शुरू हुआ था, जिसमें मेल कैमल के स्पर्म को लामा के अंदर इंजेक्ट किया गया। इस प्रोसेस के पीछे मकसद ये था कि वैज्ञानिक मान रहे थे कि लामा से पैदा होने वाले बच्चे कैमल की तरह ही ताकतवर होंगे। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो सका। इसकी वजह थी दोनों का अलग अलग नेचुरल बॉडी रिएक्शन। लेकिन साइंटिस्ट ने इसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा के कैम्स पैदा किया। आज दुनिया में 6 कैम्स हैं, जिनकी देखभाल दुबई में होती है, जो देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। लेकिन इसमें भी परेशानी ये है कि जिस प्रोसेस में इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया था वो अब तक अचीव नहीं हो पाया है और कई बार कैम्स की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। वैज्ञानिक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी कैमल की तरह ही मजबूत जानवर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लामा और कैमल के बीच की क्रॉस ब्रीडिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मंकी एंड ह्यूमन न्यूरल सेल्स। दोस्तों, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक बार रिसर्च करने के लिए बंदर के शरीर में इंसान का सेल इंजेक्ट किया। हालांकि इसको लेकर उस समय तरह तरह की बातें हुई, लेकिन अंत में इसका नतीजा पॉजिटिव आया। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे 5 बंदरों को ही चुना गया जो कि किसी भी तरह की मेंटल बीमारी से जूझ रहे हों। इन बंदरों में इंसानों का सेल इंजेक्ट करते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ये बंदर अपना बिहेवियर चेंज न कर दें। लेकिन अंत में ह्यूमन सेल्स की मदद से और इंसानों की दवाई इंजेक्ट करने से ये 5 बंदर ठीक हो गए और येल यूनिवर्सिटी अपने मकसद में कामयाब हो गई। हालांकि इस क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर येल यूनिवर्सिटी के ऊपर कई तरह का दबाव भी था, लेकिन कहते ना, अंत भला तो सब भला, यूनिवर्सिटी अपने मकसद में कामयाब रही। हालांकि ये बात भी सच है कि उसके बाद से कभी भी इस तरह के प्रयोग हमें देखने को नहीं मिले हैं। द रैबिट मैन ग्रोन। दोस्तों, पहली बार इंसान की क्रॉस ब्रीडिंग से कोई और जानवर सक्सेसफुली 2003 में पैदा हो सका था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कई बार अमेरिकन साइंटिस्ट ने कोशिश की, कई बार ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने भी कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता हाथ नहीं लगी। दोस्तों, 2003 में चीन के साइंटिस्ट ने बड़ी सफलता उस समय हासिल कर ली जब उन्होंने इंसान और चूहे का मिक्स ब्रीड तैयार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी को पता नहीं थी जब तक रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों, इस ब्रीड में हालांकि ज्यादातर सेल्स इंसानों के ही थे और कुछ ही पोर्शन चूहे का था, तो लॉजिकली इसे साइंस इंसानों का ही बच्चा कहने लगा। लेकिन दोस्तों, चीन के साइंटिस्ट ने न जाने क्या सोचा कि इसके पैदा होने के मात्र 3 दिन बाद ही इस बच्चे को मार दिया गया। आज तक इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं है कि चीनी वैज्ञानिकों ने आखिर 3 दिन के बाद ही क्रॉस ब्रीडिंग वाले इस जीव को मार क्यों दिया। ज़िब्रोइड्स। दोस्तों, ये क्रॉस ब्रीड है मेल ज़ीब्रा और फीमेल इक्विडाई के बीच का। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बिहेवियर बहुत हद तक ज़ीब्रा की तरह ही होता है, लेकिन इनकी बॉडी इक्विडाई जैसी होती है। ये वैसे तो बहुत ही शांत नेचर के जानवर होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पे ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनके शरीर पे कभी भी ज़ीब्रा की तरह पूरी मार्किंग यानी कि लाइंस नहीं होती हैं। ये बस आधी अधूरी लाइन के साथ पैदा हुए जानवर हैं। कोस्टारिका में सबसे पहले इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत की गई थी, जो कि काफी हद तक सफल रही, और इसके बाद से ये क्रॉस ब्रीडिंग लगातार चलती हुई आ रही है, जिसके बाद ज़ीब्रा के साथ कई और जानवरों की भी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है और सबके सब एक्सपेरिमेंट सफल रहे हैं। जैसे कि ज़ीब्रा और हॉर्स की क्रॉस ब्रीडिंग, जिसे ज़ॉर्स कहा जाता है, वैसे ही ज़ीब्रा और डोंकी के बीच की क्रॉस ब्रीडिंग, जिसको ज़ोंकी कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा हाइब्रिड सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा और क्या वैज्ञानिकों को ऐसे हाइब्रिड जानवर बनाने चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है।